कंपोनेंट समझा, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप कि कंपोनेंट्स होते कैसे हैं, मतलब उनमें काम क्या करते हैं, कौन सा कंपोनेंट क्या काम करता है, उसके टेस्टिंग समझिए किसको कैसे टेस्ट किया जाता है, ख़राब हुआ तो कैसे होता है, ठीक है, अगर अच्छा रहा तो सिर्फ उसकी वैल्यू होती है नहीं होती है, ठीक है, स्विचिंग करता है तो कैसे स्विचिंग करता है, ठीक है ना, वेरिएशन कौन अपने एग्जॉस्ट करता है क्या, सब टोटल ही है, कॉइल क्या है, कैसे काम करती है, हैंडल में कैसे गिनते हैं, ठीक है, और कैपेसिटर उसको टेरर में कैसे गिनते हैं, क्या है, कैसा है टोटल जब तुमने उसको देखा। और अभी हर फिलहाल में जो तुमने चेक किए रजिस्टर, क्या देखा जो तुमने रजिस्टर। अब रजिस्टर जो है तो रजिस्टर का काम होता है वोल्टेज को कम करके आगे भेजना, ठीक है, ये तो है, लेकिन वोल्टेज को कैसे कम करना है, क्योंकि एक अकेला रजिस्टर कुछ भी नहीं कर सकता जब तक वो लोड करना, तब तक उसको लोड़ना मिले वो कुछ भी नहीं कर सकता, चाहे वो 100 किलो का क्यों ना हो, समझ लो। उसके लिए एक डिवाइडेशन सर्किट होता है, क्या होता है, एक डिवाइडर सर्किट होता है, चाहे डिवाइडेशन सर्किट बोलो चाहे डिवाइडर सर्किट हो, ठीक है, उसके अंदर अपन देखेंगे स्कीमेटिक के अंदर तो उसमें इनपुट वोल्टेज भी बताया जाता है, ठीक है, उसके बाद में उसके आउटपुट की लाइन कौन से एसी में जा रही है वो भी बताया जाता है, ठीक है, जो रजिस्टर लगे हुए होते हैं वो रजिस्टर की वैल्यू भी बताई जाती है कि कितने किलो ओम्स का है, समझो। लेकिन ये कभी नहीं बताया जाएगा स्कीमेटिक के अंदर कि जो आउटपुट वोल्टेज निकल रहे हो कितने किलो, समझ रहे हो ना, ये समझने वाले के ऊपर छोड़ दिया जाता है, यानी किसको कितनी समझ है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। इनपुट वोल्टेज भी बताएगा, रजिस्टर कितने ओम्स के लगे हैं, कितने किलो ओम्स के लगे हैं, ठीक है, कैसे लगे हैं वो भी बताएगा, आउटपुट की लाइन कौन सा एसी में जा रही है ये भी बताएगा, लेकिन आउटपुट में वोल्टेज कितने निकल रहे ये कभी भी बताएगा नहीं। ये इसका पूरा एक कैलकुलेशन होता है, समझ रहे हो ना, डिवाइडेशन सर्किट का एक पूरा कैलकुलेशन होता है जो अभी हमने अच्छे से पढ़ा, ठीक है, हमने अच्छे से अभी उस चीज़ को पढ़ा कि इसको कैसे इसका कैलकुलेशन करना है, इसका इनपुट वोल्टेज कितना है तो उसका आउटपुट वोल्टेज कितना निकलेगा ये अपन अच्छे से समझे, ठीक है, तो अभी आप लोग कितना समझे अभी हम भी ये देखना चाहते हैं, ठीक है, तो अभी मैं कुछ एग्जाम्पल दूंगा इसके ऊपर जिसमें से आपको उसका आउटपुट निकालना रहेगा, ठीक है, एक रजिस्टर है, दोनों का जो आउटपुट है ये कितना आएगा और ये कितना है, कौन बताएगा, आप बताओ सर, ये दोनों का आउटपुट बताओ, इसका भी और इसका भी कैलकुलेशन करके, क्लैपिंग हो जाएगी, 6 वोल्टेज है, सही है, और यहाँ पर
थ्री वोल्टेज वो भी सही परफेक्ट है। यानी कैलकुलेशन कैसे करना है ये आपको अच्छे से अभी समझ में आ गया, ठीक है ना। ठीक है, देखो स्कैमेटिक के अंदर आपको सब बताएंगे, लेकिन कभी भी इस लाइन के ऊपर यानी आउटपुट के ऊपर कितना वोल्टेज आ रहा है ये कभी भी बताएगा नहीं। सर किधर जा रहा है, जैसे मान लो कि ये जो लाइन है ये लाइन कहाँ जा रही है ये भी आपको बताएंगे। जैसे ये लाइन कौन से एसी में जा रही है, ये पीएम में जा रही है, ठीक है, या सीपीयू में जा रहा है, ये भी आपको बताएगा। लेकिन ये कभी नहीं बताएगा कि यहाँ पर वोल्टेज कितना आ रहा है। तो ये इस कैलकुलेशन के जरिए से हम इसको निकाल सकते हैं कि ये वोल्टेज अपने को सही मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, समझ रहे हो ना। क्योंकि सीपीयू जो है वो वोल्टेज की वेरिएशन को ही सेंस करके आगे बढ़ता है, यानी जो कमांड देता है, समझ में आ रहा है ना। तो समझ में आया कैसे करना है कैलकुलेशन और कैसे अपना आउटपुट निकालना है, ठीक है।